मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा फलहारी ने बताया कि कई ग्रुप में धमकी भरे मैसेजेस उन्हें मिल रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, ये लोग सनातनियों के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि से मीना मस्जिद और ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला केस लड़ रहे हैं। वो रात दिन अपने मंदिर के लिए न्यायालय में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनका संकल्प है कि जब तक मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही जूता चप्पल अपने पैरों में पहनेंगे। उन्होंने कहा है कि एक संकल्प लिया था कि ईदगाह मस्जिद को गंगा जल से धोकर शुद्ध करेंगे तथा वहां पर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करेंगे। इसी के कारण मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा उन्हें कई बार धमकियां दी गई हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला केस न्यायालय में लड़ रहा हूं। मेरे दो केस हैं न्यायालय में, एक तो मथुरा जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला और दूसरा केस है भगवान श्री कृष्ण मंदिर से मीना मस्जिद को हटाने वाला, जिसकी क्रमांक संख्या 8 और 12 है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे हैं। ग्रुपों में पाकिस्तान से धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। मैसेज में एक व्यक्ति कह रहा है कि तू बहुत ईदगाह करता है, तुझे ईदगाह में ही गाड़ देंगे, इस प्रकार के वो धमकी दे रहा है और ये मैसेज कई ग्रुपों में चल रहे हैं। हमने अभी मोबाइल में गैलरी देखी, गैलरी में ये मैसेज मिला है। तो मेरी शासन प्रशासन से यही मांगे कि मैं तो कई बार लिखित में आपको दे चुका हूँ कि भाई इस तरह का धमकियाँ कई बार ग्रुपों पर आ चुकी हैं, व्हाट्सएप पर आ चुकी हैं, फेसबुक पर भी आ चुकी हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमें तो कोई डर नहीं है, क्योंकि हम रहे या ना रहे देश रहना चाहिए, हमारा मंदिर आज़ाद होना चाहिए, हमारी तो बस यही इच्छा है। लेकिन शासन प्रशासन की नज़र क्या मनसा है जो अभी तक सुरक्षा नहीं दे पाए। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ते रहेंगे, क्योंकि मुगल शासकों द्वारा हमारे मंदिरों पर अवैध कब्जा किया गया था, वो हम न्यायालय की ताकत से, न्यायालय के द्वारा सबूतों के आधार पर कलम की ताकत से उस अवैध कब्जे को हटवा के रहेंगे, चाहे हम रहें या ना रहें, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन शासन प्रशासन को जांच करनी चाहिए, इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में बैठकर इस प्रकार के वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, तो हो सकता है उनकी कोई साजिश हो। हमें अपना कार्य करते रहना है, यदि हमें कुछ हो जाता है तो हमारे और सनातनी भाई है वो भी लड़ते रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो हमारे भगवान का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। भगवान श्री कृष्ण की इस लड़ाई में सभी सनातनी हिंदुओं का बहुत प्यार मिल रहा है, सभी सनातनी हिंदू हमारे साथ हैं, इसलिए हमें अपनी कोई चिंता नहीं है। मेरा नाम दिनेश शर्मा है।